बस बच्चे जहाँ भी खुश हैं हम भी वहीं खुश हैं। तो लेकिन जैसे जितना सरमाया होता है उतनी चीज़ लेके बना देता है। इसने बस यही ज़िद की थी, गाड़ी देखे क्योंकि यही लेके दो। तो अभी ये लेके दिया तो मेरा बेटा अभी खेल रहा है। ऐसे मूसा किसके साथ खेल रहे हो? हैं गाड़ी के साथ। अच्छा अच्छा खेलो। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी सुबह सुबह नाश्ता कर लिया और आज मेरी तैयारी है, मैं जा रहा हूँ मोती सेल करने के लिए। तो अभी मैं रवाना हो रहा हूँ। जी तो ये देखिए, ये मोती हैं, मुख्तलिफ डिज़ाइन के होते हैं। ये कबूतर के पैरों में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये जोड़ी भी आई हुई है, ये देखें फैशन, देखो फैशन। ये अभी तंग कर रहे हैं, ये कलर हैं सारे, ये देखें मुख्तलिफ कलर और खूबसूरत। और ये रेड और वाइट भी हैं, ब्लैक और रेड वाइट मिक्स हैं। और ये सारे येलो ब्लू सब कलर एक साथ हैं। तो ये मैं जा रहा हूँ सेल करने के लिए, ये जोड़ी आई हुई है। जी तो अभी मैं रवाना हूँ बहालवा रोड के ऊपर, यहाँ से जाऊँगा सीधा चौक पट्टे वाली रोड पर, वहाँ जाकर फिर पता करूँगा नौ शारे कितनी जोड़ी चाहिए। तो नौ शारे जाऊँगा, नहीं तो फिर मुसाफिर खाने की तरह वहाँ पर जो देने और आगे फिर जाऊँगा पता करके। तो ये अभी मैं रवाना हूँ, ये बस्ती कुआरे का बोर्ड है। आवाज़ शायद कम आ रही होगी मोटरसाइकिल की वजह से। जी तो अभी मैं मेन रोड के ऊपर पहुंच आया हूँ और सीधा जा रहा हूँ यहाँ से मुसाफिर खाने की तरफ। मुसाफिर खाने जा कर वहाँ पर एक छानी है पिंजरा, जिसे मैं पहले देता हूँ मोती, उसे दूंगा, फिर आगे पता करूँगा कि लेनी है कि नहीं लेनी नोट चारे। तो मुबारक हो तुझे, मैं इधर ही आ गया। जी तो ये अशरफ शुगर मिल का गन्ना मुसाफिर खाना से शुरू हो रहा है। ये देखिए ये सारी ट्राली ट्राली है यहाँ पर, रश कम से कम 2 से 3 किलोमीटर शायद है ये सफ़र, जो सारा गन्ना ही गन्ना है। रोड के ऊपर ये ट्रालियाँ खड़ी हुई है, साइड पर थोड़ी जगह बनाई हुई है वहाँ पर खड़ी। जी तो अभी मैं आया था मुसाफिर खाने से सीधा खनगाह शरीफ पर, तो खनगाह शरीफ पर अभी मैं होकर जा रहा हूँ। उन्हें थोड़े मोती चाहिए थे बस, तो वो थोड़े देकर जा रहा हूँ वापसी घर की तरफ। ये है खनगाह शरीफ का बाईपास जो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं, अहमदपुर शरकिया की तरफ मैं जा रहा हूँ। अब यहाँ से कट आएगा, कट क्रॉस करके फिर सीधा वही रहूँ। जी तो ये 3 किलोमीटर है अब्बासिया चौक के पीछे मोहब्बतपुर मोड़, तभी वहाँ से क्रॉस करके जाऊँगा सीधा अब्बासिया चौक वाली पुल क्रॉस करने के बाद फिर सीधा बाईपास अपने घर की तरफ। तो ये है अबकरी हवेली जाकीम मोहम्मद तारिक लाहौर वाले की मशहूर हवेली है। यहाँ पर बहुत सारे दरख्त और पौधे वगैरह हर चीज़ है, अंदर हर किस्म की दरख्त है माशाल्लाह, बड़ी भी बहुत माशाल्लाह बहुत बड़ी है। ये है अबकरी हवेली, सुबह सादिक मीनार भी खड़ा है ये सामने। ये अभी ख़त्म हो गए। जी तो अभी मैं घर पहुंच आया हूं और जैसे ही घर पहुंचा हूं तो मेरे बेटे ने किया ज़िद कि मुझे गाड़ी लेकर दो। तो अभी उसका खिलौना लेकर आए, छोटी क्रेन है बच्चों वाली जो खेलते हैं, तो वो मैं आपको दिखा रहा हूं कि कौन सी गाड़ी है। बस बच्चे जहां भी खुश हैं हम भी वहीं खुश हैं। तो लेकिन जैसे जितना सरमाया होता है उतनी चीज़ ले कर बंदा देता है। इसने बस यही ज़िद की थी, गाड़ी देखे क्योंकि यही ले कर दो। तो अभी ये ले कर दिया तो मेरा बेटा अभी खेल रहा है। ऐसे मूसा किसके साथ खेल रहे हो? हैं गाड़ी के साथ। अच्छा अच्छा खेलो। और ये लकड़ियों पर बन रहे हैं चावल, क्योंकि आज गैस नहीं था तो इसलिए लकड़ियों पर हम बना रहे हैं चावल। ये चावलों का पानी अभी बिल्कुल निकाल दिया है खुश्क है, तो अब इसमें चावल डालेंगे। जी तो जैसा कि पहले मैंने आपको बताया कि चावल बना रहे हैं, आलू मटर वाले चावल तैयार हो रहे हैं। और ये देखिए सब्ज़ हरी मिर्च है, अभी चावल डाल दिए इसमें,
तो उबाल देखें, बस 2 से 5 मिनट में ये पानी खुश्क हो जाएगा, फिर हम देंगे इनको दम पर। तो दम पर 10-15 मिनट रखेंगे तो हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए जी। तो माशाल्लाह माशाल्लाह भी हमारे चावल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखें, ये बहुत ही मज़ेदार बने हैं माशाल्लाह। जो भी बहन और भाई खाना चाहे तो हाजिर हैं। और ये आपको हरी मिर्च नज़र आ रही होगी काफ़ी ज़्यादा जी। तो अभी मैं और मूसा खेल रहे हैं, मूसा ने कहा कि आओ पापा खेलें। तभी शाम का वक्त है, मैं और मेरा बेटा खेल रहे हैं और शकील भी आया बैठा साथ में। YouTube के साथ मिल जाओ। मैंने कहा ठीक है, मुझे खिलाओगे? मुझे खिलाना है, जी। तो अभी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई और मूसा गया है सो, तो इसलिए लाइट कमरे की ऑफ की हुई है। तो आज का व्लॉग यहीं पर कर रहे हैं एंड, और इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे नई सुबह के साथ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। तो अब भी वक्त हो गया सोने का, तो आज का व्लॉग यहीं पर होता है ख़त्म।